हाय गाइस, दिस इज़ डांस फ्रॉम विलाइफ और आज हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड की। तो ये कंपनी है जो मेजरली ऑटो सेक्टर में है, टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स जो ऑटो जितने भी पार्ट्स होते हैं उनके वो मोल्ड होते हैं और मैन्युफैक्चर होते हैं बाय जिक्सेस और मोल्ड्स और फिक्सचर्स और काफ़ी सारी तरीके की अलग अलग डाइज होती हैं, कास्टिंग डाइज एक्सेट्रा। मेजरली कम्प्लीटली इंजीनियरिंग वर्क है कंपनी का। कंपनी महाराष्ट्र से फंक्शन करती है और कंपनी का मार्केट कैप करेंटली देखें तो 4,865 करोड़ का है। मैंने कंपनी को सबसे पहले 3 साल पहले देखा था जब मेरा एक काफ़ी फेवरेट म्यूचुअल फंड है PPFAS, पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज का म्यूचुअल फंड है जो मेरे को काफ़ी पसंद है और मेरी होल्डिंग्स भी हैं इसमें। मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि अनबायस व्यूज़ हैं और बहुत क्लीन म्यूचुअल फंड लगता है। प्लस अगर कहें तो मोस्ट रीसेंट म्यूचुअल फंड है, 2010 या 11 में ही बना है ये म्यूचुअल फंड और बहुत क्लीन तरीके से काम करते हैं, एथिकल हैं। अपने ये शायद अकेला एक म्यूचुअल फंड होगा जो AGMs रखता है और आपको बताता है कि कहाँ का इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या आइडियोलॉजी है इनकी इन्वेस्ट करने की। तो सबसे पहले मैंने उनके पोर्टफोलियो में देखा था महाराष्ट्र स्कूटर्स को और तभी मेरे को काफ़ी पसंद आया था। मैंने कुछ हल्का सा इन्वेस्टमेंट भी किया था इससे, लेकिन मैं हल्का सा प्रॉफिट कमाकर निकल गया था बाहर। कंपनी की प्राइस की बात करें तो 2015 में कंपनी का प्राइस 1,122 करोड़ का था जो इंक्रीज़ करके 2019 में 4,630 करोड़ का हो गया। तो प्राइस काफ़ी तेज़ इंक्रीज़ करा है स्टॉक का। तो कंपनी की अगर सेल्स की बात करें तो 2014 से 2019 में सेल्स तो इंक्रीज़ करी है, लेकिन ये सेल्स ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है क्योंकि अगर आप प्रॉफिट लाइन देखेंगे और बॉटम लाइन देखेंगे कंपनी का तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि बॉटम लाइन काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द सेल। कंपनी का अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कंपनी का 47.6 करोड़ का आया है 2014 में, जबकि कंपनी की सेल्स 4.6 करोड़ है। और कंपनी के 2019 में अगर देखें तो 72 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट करा है अप्रॉक्सीमेटली और कंपनी की सेल्स आपकी 14.42 करोड़ है। ये इसलिए है क्योंकि कंपनी मेजरली जो अपने प्रॉफिट्स कमाती है वो कमाती है अपने इन्वेस्टमेंट से। तो कंपनी को आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर ये कंपनी ने जो अपनी होल्डिंग्स कर रखी हैं और जो अदर इनकम कंपनी कमाती है उससे कंपनी को मेजर रिटर्न्स आते हैं। कंपनी में सबसे ज़्यादा अगर देखें तो इसने बजाज की कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, बजाज ऑटो, बजाज सर्विसेज, बजाज फिनसर्व, इन सब में इसने इन्वेस्ट कर रखा है। लगभग 2-3% के इन्वेस्टमेंट सारी इन कंपनीज में हैं। तो इस वजह से कंपनी ग्रो कर रही है। तो जब जब बजाज के स्टॉक्स बढ़ेंगे तब तब इस कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। इसी वजह से PPFAS फंड ने भी इसके अंदर इन्वेस्ट करा था क्योंकि इस वजह से ग्रोथ आएगी। तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आप एक म्यूचुअल फंड शॉर्ट ऑफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसमें कि आप इन्वेस्ट करेंगे और बजाज की आपको 5 कंपनियों का टोटल एक साथ में इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, वो एक मेजर रीजन है। तभी आप कंपनी में देखते हैं कि इस कंपनी में जो आपका असेट बेस है वो 11,723 करोड़ के, तो इसके पास असेट्स ही हैं। ये असेट्स सारे इसके इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इसने कर रखे हैं अलग अलग बजाज की कंपनीज में। कंपनी की बुक वैल्यू तभी 9,907 करोड़ आती है और करंट मार्केट कैप कंपनी का 4,800 करोड़ आता है। डेट कंपनी में बहुत कम है, वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है और कंपनी का नियरेस्ट सपोर्ट देखें तो 3900 पे नियरेस्ट सपोर्ट आ रहा है, रेजिस्टेंस 4900 पर आ रही है। कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी लग रही है और इसी तरह कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अगर देखें तो 7% की ग्रोथ रेगुलरली ईयर ऑन ईयर कंपनी की आ रही है। तो ऐसी कंपनी अगर ग्रो करती रही तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। कंपनी मेजरली पैसे कमाती है अपने इन्वेस्टमेंट से, ना कि जो ये अपना जिग्स और फिक्स्चर्स बनाती है ऑटो सेक्टर के लिए उससे। तो उसमें तो सिर्फ 14 करोड़ का इसका टर्नओवर है 2019 का, लेकिन जो प्रॉफिट्स इसके अदर इनकम से आ रहे हैं वही मेजरली नोट करने वाली चीज़ है। क्योंकि आपने ऐसे इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि ये कंपनी बजाज में ही इन्वेस्टेड है, तो आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रेगुलरली रिटर्न्स मिल सकते हैं कंपनी में एंड दिस कैन बी ए वंडरफुल इन्वेस्टमेंट अगर आप बजाज की वो कंपनियां ले लेते हैं। चेयरमैन भी देखें तो मधुर बजाज ही हैं कंपनी के, क्योंकि कंपनी में मेजर कंपनी आप यही कह सकते हो कि लगभग बजाज की ही है। सो दैट्स अबाउट इट फॉर महाराष्ट्र स्कूटर्स। अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो बने रहिए स्टॉक में, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आपको रिटर्न देते रहेगा रेगुलरली। आप बस यही मान सकते हैं कि बजाज की आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है रिटर्न्स के लिए। सो दैट्स अबाउट इट, साइनिंग ऑफ सिद्धांत गोयल फ्रॉम फिनलाइफ। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन जिससे आपको ऐसी वीडियोज मिलती रहे, एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो।